नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए ब्लॉक बी मूव्स विद अ वेलोसिटी यू रिलेटेड टू ए वेज ए. कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको दी है. एक वेज है ये, एंगल आपको थीटा दिया है, ठीक, इस तरह का एक वेज है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. वेज है आपका ए, ब्लॉक है आपका बी, ठीक. और ये कह रहे हैं द ब्लॉक बी मूव्स विद ए वेलोसिटी यू रिलेटेड टू वेज ए. वेज ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो ब्लॉक बी है वो यू की स्पीड से इस तरफ ऊपर मूव कर रहा है, ठीक. किसके रिस्पेक्ट में? ये वेज ए के रिस्पेक्ट में, यानी जो ऑब्जर्वर ए पे खड़ा होगा उसको ये दिखेगा कि ब्लॉक बी वेज के ऊपर आ रहा है. कितनी स्पीड से आ रहा है? यू की स्पीड से, ठीक. आगे कह रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेज इज वी एज शोन इन द फिगर. और वेज की वेलोसिटी वी है इस डायरेक्शन में, वेज भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है वो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ब्लॉक बी मूव्स वर्टिकली एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. आपसे थीटा की वैल्यू पूछी, ये थीटा कितना हो ताकि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, मान लिया यहां ये ग्राउंड पे खड़ा है ये ऑब्जर्वर, तो उसको ऐसा दिखे कि जो वेज बी है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो, ठीक है. अब समझो जरा, इसको समझने की कोशिश करो. जो ब्लॉक है वो वेज को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वेज जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है. तो हम इसको एक एक सेकंड के लिए मूव कराएंगे लेकिन एक साथ मूव नहीं कराएंगे. पहले हम एक सेकंड टाइम देंगे ब्लॉक को, कहेंगे ब्लॉक मूव करो, तो ब्लॉक अपनी एक सेकंड में कुछ मूव कर जाएगा, ठीक. फिर हम कहेंगे ब्लॉक अब रुक जाओ, अब वेज से बोलेंगे एक सेकंड का टाइम अब तुमको दिया, अब तुम मूव करो, तो वेज जो है वो पूरा आगे मूव कर जाएगा, ठीक है. तो ढंग से समझो, अगर हमने एक सेकंड का टाइम ब्लॉक को दिया तो ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा? यू मीटर मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है. तो ब्लॉक यहां से मान लिया ये सेंटर था ब्लॉक का, मूव करके कहीं यहां पे आ गया, कितना मूव कर गया? यू मीटर, ठीक है. अब ब्लॉक से कहेंगे अब तुम रुक जाओ, तो ब्लॉक उस पॉइंट पर रुक गया, ये ब्लॉक का सेंटर है, ये जो पॉइंट बनाया मैंने. अब वेज से कहते हैं अब तुम मूव करो, एक सेकंड का टाइम दिया, ठीक है. एक सेकंड में वेज कितना मूव कर जाएगा? तो वो मूव करेगा वी मीटर, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है? वी मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना मूव करेगा? वो वी मीटर. तो एक सेकंड में वो वी मूव करेगा, तो ये पूरा पूरा सेटअप वी आगे शिफ्ट हो जाएगा. और आप चाहते हो थीटा के एंगल क्या, थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि ग्राउंड पर खड़े होकर ऐसा दिखे कि ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब ये वेज वी मीटर मूव करे तो ये यहां पर पहुंच जाए पॉइंट, ये हो वी मीटर, ठीक है. पूरा पूरा सेटअप शिफ्ट करेगा आगे तरफ, पूरा पूरा सेटअप शिफ्ट करेगा, तो ये पॉइंट भी आगे तरफ शिफ्ट करेगा, वेज भी आगे तरफ शिफ्ट करेगा, सब कुछ आगे तरफ शिफ्ट करेगा. तो अगर आप चाहते हो कि ये जो ब्लॉक है वो वर्टिकली मूव करे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो तभी हो सकता है कि जब आप बी को शिफ्ट करो तो ये डिस्टेंस यहां से, ये पॉइंट जो है वो यहां से यहां पहुंच जाए, यानी जो ब्लॉक की लोकेशन है वो अपनी वजह से वो यहां पहुंचा है, वेज की वजह से वो वहां पहुंच जाए. तो नेट में अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में कहां हुआ है? वर्टिकली हुआ है, ठीक. सॉल्व हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा. ये ट्राइंगल देखो, ये यू है, ये वी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम कॉस थीटा लिख सकते हैं. कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है वी और हाइपोटेन्यूज कितना है यू. तो थीटा आपका आ गया कॉस इनवर्स वी बाई यू. एक तरीका तो ये है, ठीक. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है हम मैथमेटिकली करें सब कुछ, रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, वेलोसिटी ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइंड करें, तो वो भी कर सकते हैं. वो भी आप देखो, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं इस तरफ और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है. हम वेलोसिटी लिखने जा रहे हैं, आपको देखना है. हम पहले फाइंड लिखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज. वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की? तो वेलोसिटी यू की, जो ब्लॉक है वो यू की स्पीड से जा रहा है इस तरफ, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा. तो ये कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा. तो ये हो गया आपका यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, क्लियर. अब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेज तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस तरफ, तो वो कितनी होगी? है वो माइनस बी आई कैप. माइनस बी इसलिए क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ मानी, तो उस तरफ वाली क्या हो जाएगी? निगेटिव.
अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वेज क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कितनी बन जाएगी, तो ये हो गया यू कोस थीटा माइनस वी आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो ये है। और क्वेश्चन में ये दिया गया कि आप ये चाहते हो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो वर्टिकली मूव करे, वर्टिकली मूव करने का मतलब सिंपली क्या हुआ कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाए जीरो। अगर आप इसको जीरो पुट करोगे u cos थीटा माइनस v इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से cos थीटा कितना आ गया, वो आ गया v अपॉन u, वही आंसर आ गया, थीटा कितना आ गया cos इनवर्स v अपॉन u, क्लियर, ठीक। आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर हमने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, और आप चाहते हो वर्टिकली मूव करें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है वो किससे कैंसिल आउट हो जाए, वो वेज की वेलोसिटी से कैंसिल आउट हो जाए, तो u cos थीटा किसके बराबर हो, वेज की वेलोसिटी v के बराबर हो जाए, तो u cos थीटा किसके बराबर हो जाए, वेज की वेलोसिटी v के बराबर, तो वहां से भी आ जाएगा cos थीटा v / u, थीटा cos इनवर्स v / u, क्लियर।